Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. से अपने भविष्य, अपने विवाह के बारे में जानना चाहती हो? जी पिताजी, ज्ञानी तो लग रहे हैं, किंतु पिताजी मुझे आप पर और देवी माँ पर पूरा विश्वास है। मैं देवी माँ का नाम लेकर मैं संपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कल्याण हो बालिके। चलो पुत्री। प्रभु, इस बार तो मैंने कितना विशेष कहा, साहजी का ध्यान भी मिला, किंतु आपने कुछ किया ही नहीं, केवल आशीर्वाद दे दिया। आज का तो दिन ही अच्छा नहीं है। धीरज रखिए मूषक जी, हमारी योजना अवश्य सफल होगी। कैसे सफल होगी प्रभु, अभी तो वर पक्ष का साहजी के घर आने का समय भी हो चुका है। ठीक है मूषक जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नगर सेठ जी, निकट ही है साहजी का घर, चलिए देखते हैं। प्रभु, ये लोग तो पहुंच भी गए, आपने कुछ सोचा कि नहीं? मूषक जी। जी प्रभु। ये लीजिए, जल ले आइए। जल कलश टूट गया, अब शकुन। मैंने कहा था ना, आज का दिन अच्छा नहीं है। अच्छा कैसे होगा मूषक जी, राहु काल जो चल रहा है, इसीलिए आज कोई जजमान हमसे भविष्य जानने भी नहीं आया। सुना आपने पंडित जी, राहु काल चल रहा है, राहु काल। एक खुजलाना बंद करो। मैं कहाँ खुजला रहा हूँ। हाँ, किंतु आप तो राहु काल से पहले ही घर से निकल चुके हैं, इसलिए आप पर कोई प्रकोप नहीं होगा। पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, ये मेरे पुत्र के विवाह का प्रश्न है, खुजलाना बंद करो। राहु काल में ना तो हम साहजी के घर जाएंगे और ना ही अशुभ समय में कोई शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे, खुजलाना बंद करो। पुत्र, चलो हम फिर आएंगे। अरे नगर सेठ जी, राहु काल में अब कुछ ही समय शेष है, तब तक चलकर रास्ते में जो माता जी का मंदिर है वहां रुककर आशीर्वाद ले लेते हैं, तो कुछ भी अशुभ नहीं रहेगा। ये उत्तम विचार है। चलिए पंडित जी, खुजलाना बंद करो। प्रभु, आपकी योजना तो पुनः विफल हो गई, ये लोग तो लौटे ही नहीं, और वो वर, उसे तो खुजलाने की समस्या है। हाँ हाँ, उसे तो खुजलाने की समस्या है। ये सब आपको कैसे पता? महाराज गजानन है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। लगता है कि आप अपनी पुत्री का वर ढूंढने की हड़बड़ी में थे, भूल कर बैठे आप। ऐसी भूल माता पिता से बहुत होती है, अपने भय के कारण अपनी पुत्री को ऐसे विवाह संबंध में बांध देना, ये तो उचित नहीं है ना। विवाह संबंध दो लोगों के साथ दो परिवारों का मिलन भी है, इसलिए इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब समझ गया,
अब ये भूल नहीं करूंगा मैं। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर मुझे उसके विवाह का संकेत देने की कृपा करें। क्या हुआ? क्या आपको अपने विवाह के विषय में जानने की उत्सुकता नहीं है? नहीं जोशी महाराज, मेरा भविष्य तो देवी माँ के हाथों में है। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यदि वो चाहती हैं कि मैं बाधाओं का कठिनाइयों का सामना करूं तो मुझे ये भी स्वीकार है। कल्याण हो। क्या आप अब भी उनका भविष्य जानना चाहते हैं? हाँ। बैठिए मान्यवर, आप भी बैठिए। सुंदर, अति सुंदर, विवाह का योग तो अत्यंत निकट है। बहुत ही अच्छा वर है आपकी पुत्री के जीवन में, और वो वर व्यापारी है। जिसने कम आयु में ही पिता के व्यापार की बागडोर संभाल ली है। पिता के अच्छे गुण यदि पुत्र में आ जाएं तो इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने ही समान कुशल व्यापारी और महादेव का भक्त बनाया है। जिसका व्यक्तित्व प्रभावी होगा, जिसका व्यवहार उत्तम होगा, जो सबको अपने सम्मोहन में बांध लेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ज्योतिषी महाराज लखिंदर की ही बात कर रहे हैं? किंतु कुंडली में कोई दोष तो नहीं है ना? मेरा अर्थ है, विवाह के बाद उसका जीवन सुखद तो होगा ना? उस पर कोई आंच तो नहीं आएगी? मेरी पुत्री को अपने पति से दूर तो नहीं होना होगा ना? कहीं उसके जीवन पर कोई संकट तो नहीं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.